నెర్లో చిత్కట్ట జై. बाद आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया बिकॉज टुडेज डे इज गोइंग टू बी स्पेशल डे फॉर मी. नाउ व्हाई इट इज गोइंग टू बी सो यूनिक एंड स्पेशल दैट यू विल कम टू नो लेटर इन दिस व्लॉग. सो लाइक ऑलवेज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड. सो राइट नाउ इट्स 10:30 इन द मॉर्निंग एंड एज यू कैन सी आई एम कंप्लीटली ड्रेस्ड अप टू विजिट अ वेरी नॉस्टैल्जिक प्लेस ऑफ माय लाइफ ऑन द ईव ऑफ सरस्वती पूजा और जिसको आप लोग बसंत पंचमी के नाम से भी जानते हो, द गॉडेस ऑफ नॉलेज, विजडम, आर्ट्स एंड म्यूजिक. तो चलो चलते हैं, देखते हैं आज कहाँ जाने वाले हैं. सो यस, आई थिंक यू पीपल गेस्ट इट राइट दैट आई विल बी विजिटिंग माय स्कूल दैट इज बीरभूम जिला स्कूल ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर. सो लिटरली आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि आज तो बहुत सारा पुराने यादें ताज़ा होने वाला है. तो प्रेस योरसेल्फ. सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट बीरभूम जिला स्कूल और देख लो यहाँ पे पूजा कैसा हुआ है. तो अभी पूजा चालू है, ठीक है, तो मैं बहुत धीरे से बात कर रहा हूँ. यहाँ पे COVID-19 का पूरा रेस्ट्रिक्शन चालू है कि सुबह 9 to 11 इट्स लाइक पूजा एंड पुष्पांजलि देने का टाइम है. फुल से रेगुलेशन जो है हम लोगों के लिए बना है COVID-19 के लिए, तो वो मान के चलो. आई नो इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट ऑन द ईव ऑफ सरस्वती पूजा बट यू कैन मेंटेन राइट. एज यू कैन सी आई एम अकंपनीड बाय नीलांजन चौधरी, वन ऑफ माय बैचमेट. तो हम लोगों का पास आउट ईयर है 2011. बाकी के दोस्त लोग भी आने वाले हैं. डाउन द मेमोरी लेन व्हेनेवर वी गो एंड बीरभूम जिला स्कूल इज ऑलवेज गिविंग अस प्रेजेंट मोमेंट्स. सो Definitely enjoying a lot. अरे माँ, fist pump. नहीं, एक छोटी तुलना ना दांत रे. तो और भी लोग आ गए 2011 का पास आउट स्टूडेंट, ठीक है. अभी हम लोग जाने वाले हैं स्कूल के अंदर. नो मास्क नो एंट्री. हम लोग एक स्टूडेंट है तो हम लोगों को कुछ नहीं बोलेगा. वैसे ये मास्क मेरे हाथ में है तो आई विल फॉलो द रूल्स फॉर श्योर. चेंजेस बहुत सारा है. हम लोगों का जो टीचर्स लोग थे वो यहाँ पे बैठते थे. दिस इज ऑल द टीचर्स रूम. अभी यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन के दिख से बहुत सारा चेंजेस हुआ है. पूरा वॉल पेंटिंग देखो कितना सुंदर तरीके से ये बनाया गया है. तो दिस इज डिपिक्टिंग आवर चाइल्डहुड. बेसिकली हम लोग जब स्कूल छोड़े थे इन 2011, ये जो पार्ट आप लोग दिख रहे हो ये तब अंडर कंस्ट्रक्शन था, ठीक है. अभी तो ये पूरा बन गया है, इट्स ऑलमोस्ट रेडी. आई थिंक क्लास भी होता होगा. सो दिस इज बेसिकली ए लॉफ्ट काइंड ऑफ एरिया. आप देख सकते हो भीड़ टाइम के साथ बढ़ रहा है और नीचे पुष्पांजलि चालू हो गया है क्योंकि मेरे को ही पुष्पांजलि देना है. बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को ये जगह पे स्कूल टाइम पे आना मना था क्योंकि बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन था, ठीक है. तो वो हम समझ सकते हैं बट यहाँ से अभी व्यू दिखाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट नाउ आई नीड टू रश. अभी देखते हैं कि कैसे यहाँ पे बैच वाइज पुष्पांजलि हो रहा है क्योंकि कोविड रूल्स है तो आपस में 1 मीटर डिस्टेंस रहना जरूरी है. तीन बार एटाई সচন্দন পুষ্প বিল্ব পত্রাঞ্জলি ওম ওই এটা ক্যামেরা শুট চলছে. তো আই এম ফিনিশড উইথ পুষ্পাঞ্জলি. बहुत दिनों बाद पुष्पांजलि देख भी बहुत मजा आया. तो हर साल ये दिन मैं मिस नहीं करता बेसिकली. सो थैंक यू फॉर होल्डिंग द बैग. चलो चलो लेट्स गो. चित्कट जाई. ये जो जगह आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों का असेंबली होता था. स्कूल स्टार्ट होने से पहले जो प्रेयर होता था वो यहाँ पे होता था. यहाँ पे रिपोर्टिंग का शार्प टाइम था मॉर्निंग 11. तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग ठीक टाइम पे पहुंच नहीं पाए तो हम लोगों को अलग से यहाँ पे लाइन लेके खड़ा होना पड़ता था, ठीक है. बाद में टीचर लोगों का बहुत डांट भी पड़ता था. तो लेटर वी रियलाइज बीइंग पंक्चुअल इज अ गुड ट्रेट. लेटर ऑन आई रियलाइज देयर इज अ बाईपास वे जहाँ की आप जल्दी से निकल सकते हो उधर से, ठीक है. अगर आप लोगों को टीचर लोग ना पकड़े आप निकल सकते थे लेकिन बहुत मतलब डिफिकल्ट था. मैक्सिमम टाइम वो पकड़ ही लेते थे. बाईपास वे तो बहुत सारा था बट थिंग इज आफ्टर 10 ईयर्स
वो सारे जगह बंद हो चुका है ठीक है, वो अभी नहीं है, अभी बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा चेंजेस आ गया है। हमने जो प्लेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, हम लोगों को टिफिन मिलता था ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल है तो क्या होता ना, हम लोगों को हर मंडे टू फ्राइडे हम लोगों को एक टिफिन के टाइम पे एक मिठाई या फिर कुछ दिया जाता था। फ्राइडे को हम लोगों को अच्छा मिलता था कि आपको समोसा मिला, क्योंकि जैसे ही आपका मतलब टिफिन का घंटी बजता था हम लोग ऊपर से दौड़ के आते थे यहाँ पे और लाइन लगाना पड़ता था क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड होता था, और मिठाई लेना ही लेना है, वो मिस नहीं करना है। हम लोगों के बीच में कंपटीशन भी होता था कि कौन सबसे ज्यादा मिठाई खा सके ठीक है, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मिठाई दो तीन लेने के चक्कर में मैं पकड़ा गया हूँ, और भी लोग थे, सिस्टम पूरा कोलैप्स कर देते थे हम लोग। निलंजन इज ट्राइंग टू रिक्रिएट अवर ओल्ड मेमोरीज, पुराना जितना भी ब्लैक बोर्ड से वो सारे रिप्लेस हो गया ये ग्रीन कलर का बोर्ड से, एंड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी यही सब इस्तेमाल होता था संभल के, एंड ऊपर देख रहे हो आप सीसीटीवी है जो हम लोग के टाइम पे बिल्कुल नहीं था, अगर होता तो बहुत सारे काम के लिए हम लोग पकड़े जाते। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज दैट टू कन्विंस द मॉनिटर इन द क्लास दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट इफ इट इज If he looks that it is wrong, he will put star against your name. हाँ, तो basically star का मतलब ये है नाम के बाजू में कि उतना बार उतने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, दो स्टार मतलब दो बार गड़बड़ किया है, तीन स्टार मतलब तीन बार गड़बड़ किया है। हम दोनों टू बी ऑनेस्ट इतना कुछ अच्छे बच्चे थे हम लोग ठीक है, एवरेज था हम लोग, हाँ मतलब एक दो स्टार मैक्सिमम। और ये लॉकर हम लोग के टाइम पे नहीं था, लॉकर नहीं था और वॉल में बहुत कुछ लिखा होता था, अभी दूसरे तो वॉल को पेंट किया गया है, राइटिंग था वो नहीं है। जैसे कि बोला कि लास्ट एक साल तो पूरा स्कूल बंद है, तो बहुत सारा धूल मिट्टी यहाँ पे जम गया है। ये घड़ी तब नहीं था। मैं और निलंजन डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों का मेमोरीज क्या है स्कूल के बारे में। आई हैव अ क्वेश्चन टू यू, व्हाट कम टू यू बीरभूम जिला स्कूल, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? ओके, सो ऑनेस्टली जब बीरभूम जिला स्कूल में पहली बार सुनता हूँ तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है वो दैट इज इमोशन। 10 साल हो गया फिर भी हम लोग हर साल ये दिन कभी मिस नहीं करते। होता है बहुत बार कि हम लोग बाहर जॉब कर रहे हैं तो उस वजह से आ नहीं पाते। मेरा जो सबसे स्वीट मेमोरी है ना स्कूल में वो है कि देखो हमारा स्कूल में एक हेल्थी कंपटीशन हमेशा होता था, तो जब भी हमें को स्टैंड करने का मौका मिलता था क्लास में और सबके सामने वो प्राइज देने का मौका मिलता था मुझे, वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। मुझे लगता था कि वो बहुत ही डिफिकल्ट था वहाँ पे स्कोर करके, लाइफ में हम लोग बहुत कुछ अचीव किए हैं लेटर ऑन, सबके सामने जाके प्राइज लेना, वो टीचर लोगों के साथ प्राइज लेना, वो मेरे लिए बहुत स्वीटेस्ट मेमोरी। दैट इज अनमैचेबल फॉर श्योर, 171 ईयर्स टू बी प्रिसाइज ओल्ड स्कूल है, बीइंग अ टॉप नॉच स्कूल ऑफ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, सरस्वती पूजा के दिन स्कूल का अट्रैक्शन और भी बढ़ जाता है क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं, बट ये सब थोड़ा कोविड का प्रोटोकॉल है, तो एज अ स्टूडेंट मैं वही बोल रहा था कि हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस मान के चलना पड़ेगा, एंड क्लासरूम का डेकोरम भी मेंटेन करना पड़ेगा। फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये जो जगह मैं दिखा रहा हूँ ठीक है, पेंटिंग यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, हर साल क्या होता है कमिटी बनता है बेसिकली, उनमें से जो लोग अच्छे से आर्ट्स एंड क्राफ्ट के मामले में अच्छा है वो लोग ये सब काम करते हैं, और ये हर साल ये चेंज होता है बेस्ड ऑन द थीम। कोविड की वजह से स्कूल बंद था एक साल, तो उसके वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है वो दिखाने की कोशिश किया गया है, फिर भी आई विल ट्राई टू कंफर्म दैट व्हाट इज द थीम। एक स्टूडेंट भी सारे ऊपर चढ़ गया है ठीक है, आज का दिन सब अलाउ है, बट जो भी कर रहे हो बीइंग ए स्टूडेंट थोड़ा रेस्पॉन्सिबल बनो। যেহেতু আমাদের স্কুলে দুজন আর্ট টিচার আছে এবং আমরা সবসময় চেষ্টা করি সেইটা সৌন্দর্য দর্শনের যে আধুনিক বার্তা, আর্টটার নাম হচ্ছে কনসেপচুয়াল আর্ট সাইট স্পেসিফিক আর্ট, আমার এই সাইটটা কি ডিমান্ড করে সেই ডিমান্ডটাকে নির্ভর করে আমরা এই আর্টটাকে তৈরি করার চেষ্টা করি। সরকারি নিয়ম মতে এই বছরে সরস্বতী পুজো হওয়ার কথা ছিল না, তো মাত্র 3 দিনের নোটিশে আমাদের সরস্বতী পুজো হচ্ছে। ওয়েস্টেজ মেটেরিয়াল আমাদের স্কুলে রয়ে গেছে, যেমন দরজা জানালা বা বিম এই ধরনের কিছু অ্যাডভেস্টার্স, তো আমার মনে হলো এক্ষেত্রে প্রায় 1 বছর আমরা যে কোভিড পরিস্থিতিতে থাকলাম, অতিমারী পরিস্থিতিতে আমাদেরকে অলমোস্ট ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে হয়েছে, তো সেই এবং স্কুল প্রাঙ্গণ একেবারেই বন্ধ ছিল, যদিও বা মিড ডে মিলের জন্য আমাদের মাসে মাসে একবার করে আসতে হচ্ছিলো। দরজা যেগুলো আমরা লাগিয়েছি সেগুলোর মধ্যে এখনও ঝুল লেগে আছে, যেন সদ্য খোলা অবস্থায়
পরিষ্কার করা হয়েছে। কোভিড আমাদেরকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে প্রকৃতি তাকে কিন্তু বেড়ার মধ্যেই আমরা ঘিরে রেখেছি, সে কিন্তু তার নিজের ইচ্ছে মতো করে বাড়তে লেগেছে। সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে খোলো খোলো দ্বার, খোলো খোলো দ্বার, ইয়েস, ঠিক আছে। এই খোলো খোলো দ্বার কবির ভাষায় এটা বলতে চাইলাম। এখানে একটা মাকড়সার জাল সিম্বলিক, সেই সিম্বলিক যে মানে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাও ছাত্রদের করা, সাইডেও বেড়া দিয়ে ঘেরা। আমাদের এইভাবেই আংশিকভাবে বেড়ার মধ্যেই থাকতে হবে, ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকতে হবে, যাতে আমরা প্রকৃতিকে বাঁচাতে পারি। এই হচ্ছে আমাদের বার্তা। থ্যাংক ইউ স্যার। অ্যাকচুয়ালি ইউটিউব চ্যানেলে যাবে, তার জন্য পুরো স্কুলের একটা ব্লগ করছি আমরা, 2011 পাস আউট। তো বড়বড় ইচ্ছা ছিল যে একটা স্কুলকে নিয়ে ব্লগ করবো, তো এর থেকে ভালো অকেশন হতে পারে না। আমলোক কা জো আর্টস এন্ড ক্রাফ্টস অর ড্রয়িং টিচার হ্যায় মিস্টার সারথি স্যার, তো উনসে আমলোক কো সুনা কি ক্যাসে ইয়ে থিম উনকে দিমাগ পে আয়া, জাস্ট উইদিন থ্রি ডেজ ইসকা পুরা জো ডেপিকশন হ্যায় ইয়ে কিয়া হ্যায় স্কুল কা স্টুডেন্ট লোক। থোড়া আগে যাতে, আবি থোড়া খালি হুয়া হ্যায়, আবি ইয়ে লাস্ট ব্যাচ চল রহা হ্যায় পুষ্পাঞ্জলি কা। ये जो पीछे का जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, ये स्कूल का मेन बिल्डिंग है। हम लोगों का क्लास 1 to 10 यहाँ पे क्लास होता था। ये बेसिकली फॉर क्लास 11 and 12, जितना भी प्रैक्टिकल्स होता था ठीक है वो नीचे ये बिल्डिंग पे होता था। तो आफ्टर क्लास 10 हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। साइंस बिल्डिंग के साथ साथ जो जियोग्राफी का लैब था वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर ही अंदर था। अभी आप लोगों को थोड़ा दूसरे साइड दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोगों का प्लेग्राउंड था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ये जो बास्केट कोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम लोगों का जो मैच चलता था क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, ये किसी इंटरनेशनल मैच का जो टेंशन होता है उससे कम नहीं था। मैं वही बोल रहा था, मतलब अगर हार गए ना आप, अगर मैच में आप हार गए हो तो पूरा दिन आपको ताना मिलेगा क्लास में जाके कि आपने खराब शॉट खेला और हार गए हो। लेकिन वो आधा घंटे का गेम होता था और बहुत हाई टेंस गेम होता था, अच्छा होता था। और ये नया बिल्डिंग है, इसमें अभी सरस्वती पूजा का जो भी एग्जीबिशन होता है यहीं पे करते हैं। इस बार एग्जीबिशन बंद है जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को, यहाँ पे स्टेज में कुछ तो फंक्शन होने वाला है शाम के टाइम पे, तो उसी के लिए बनाया गया है। क्लास बंक करने के चक्कर में बहुत बार ऐसे फंसे हैं मैं, निलंजन और भी बहुत सारे लोग। यू मान लो कि गार्जियन कॉल होने वाला था लास्ट मोमेंट में, कैसे भी करके हम लोग मैनेज कर लिए। मेरा जो लुक्स था ना वो थोड़ा इनोसेंट टाइप का था, तो मतलब माफ, आज भी इनोसेंट ही है। तो माफ कर देता था सर लोगों, पता नहीं किस लिए माफ करता था लेकिन माफ कर देता था कैसे। तो अभी के लिए मैं ब्लॉग को स्टॉप करता हूँ क्योंकि घर भी जाना है, जाने का मन तो नहीं है बट जाना पड़ेगा। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 12:45 इन द आफ्टरनून। एज यू कैन सी थोड़ा बहुत भीड़ भी कम हो रहा है टाइम के साथ। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद क्योंकि बहुत सारा प्लान लाइंड अप है और भी दोस्त लोगों से मिलना है, तो वो पार्ट भी मैं शूट करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडेज़ व्लॉग। सो आई वाज जस्ट एक्चुअली गोइंग थ्रू ऑल द पिक्चर्स दैट आई क्लिक्ड एंड अपलोडेड ऑन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट इज आई एम रॉय 92। You can follow me there as well. If you have not seen all those pictures, then this next slide is for you. Check it out. आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस हैव रियली एंजॉयड दिस एंटायर सरस्वती पूजा वीडियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयरिंग ऑल द स्वीट मेमोरीज एसोसिएटेड विद आवर बिलव्ड स्कूल वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अमंग ऑल। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल द बॉन्ग वेलफेयर टू गेट नोटिफाइड अबाउट आवर अपकमिंग ट्रैवल ब्लॉग्स। ऑल्सो इफ यू हैव एनी स्वीट मेमोरीज एसोसिएटेड विद आवर स्कूल और चाइल्डहुड डेज, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। I am also eager to know all those facts. Last but not the least, before leaving, check out this entire Pushpanjali footage at the end of the video. Till then, goodbye, take care, see you soon. Nijo koro. Komolo. Ekkhoni. Pustakoshri. Sakolo vibhavo. Siddhoi. Matu. Mago devota namo.
অমনিতম সরস্বতী মমো নমো বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানে এ বচ এস স্বচন্দন পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি ওম ইং সরস্বতী নমো ওম ভদ্রকাল্যই নমো নিত্যং সরস্বতী নমো নমো বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানে এ বচ স্বাহা এস স্বচন্দন পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি ওম ওইং সরস্বতী ওম জয় জয় দেবী চরাচর সারে কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে বীণা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তুতে ওম নমো উজ্জ্বল পূরিত সূচন ভাষণ্য সর্বাং দেহন্তিতে পদ্মপুরাণে শ্রী সরস্বতী সমাপ্ত।